हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय मस्त किचन। वंस अगेन सात्विक सीरीज में मैं आज आप लोगों के साथ लौकी का हलवा का रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। हाँ दोस्तों, इसे बनाने के लिए मैंने रिफाइंड शुगर का इस्तेमाल नहीं की, इसके जगह पर पाम शुगर का इस्तेमाल की है। पाम शुगर कोई भी अच्छी ग्रॉसरी शॉप में मिल जाता है, पर अगर आपके पास पाम शुगर नहीं है तो आप गुड़ के इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और एक बात, लौकी को काटने के बाद बहुत जल्द काला पड़ जाता है, इसलिए लौकी को ग्रेट करने के बाद इमीडिएटली कुकिंग शुरू कर दें। तो लेट्स मूव माय मस्त किचन टू प्रिपेयर लौकी का हलवा। लौकी का हलवा बनाने के लिए मैंने लिए है एक छोटा सा लौकी। इसका वजन आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा। पहले इसका छिलका निकाल लें और उसके बाद इसे दो टुकड़े में काट लें। अब इन लौकी के पीसेस को ऐसे ग्रेटर में ग्रेट कर लेंगे। ध्यान रहे दोस्तों, लौकी का बीच वाला हिस्सा हम ग्रेट नहीं करेंगे, हम सिर्फ किनारा ग्रेट कर लेंगे। लौकी का बीच वाला हिस्सा में सीड्स होते हैं और वो सॉफ्ट होता है, वो वाला हिस्सा हम ग्रेट नहीं करेंगे, हम ऐसे ही साइड साइड में ग्रेट कर लेंगे। हमने लौकी ग्रेट कर लिया है, हमें एक कप ग्रेटेड लौकी मिला है। अब हम एक अर्दन पॉट में एक चौथाई कप पानी ऐड करेंगे। अब उसके साथ एक दो चुटकी हिमालयन पिंक सॉल्ट ऐड करेंगे। अब इसमें ग्रेटेड लौकी ऐड कर देंगे। चम्मच से एक बार मिला दें। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे हलवा में नमक कैसे? इतनी सी नमक से स्वाद में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे लौकी पानी छोड़ेगा जिसमें अच्छी तरह पककर सॉफ्ट हो जाएगा। अब ढक्कन बंद कर दें और बिल्कुल लो फ्लेम पर 10 मिनट पकाएं। लौकी को पकने देंगे और हम एक कटोरी में 5 सीडलेस खजूर लेंगे। अब इसमें एक चौथाई कप गर्म पानी ऐड कर दें और इसके साथ एक बड़ी चम्मच किशमिश भी ऐड कर दें। इन दोनों चीज़ों को 10 से 15 मिनट के लिए भीगने दें। उसके बाद इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। इसके साथ हम कुछ काजू, बादाम और पिस्ताचियो लिए हैं, जिसे हम छोटे छोटे टुकड़े में काट लेंगे। ड्राई फ्रूट्स को यूज़ करने से पहले 5-6 घंटे के लिए भिगो के रखें। 10 मिनट बाद अब ढक्कन को खोलें और ये देखिए दोस्तों, लौकी काफ़ी सॉफ्ट हो गया है और पानी भी ऑलमोस्ट सूख गया है। अब इसमें एक कप गाय का दूध ऐड करें। हम ग्रेटेड लौकी भी एक कप ही लिए हैं, जितना लौकी उतना क्वांटिटी दूध लेंगे। दूध और लौकी को एक बार चम्मच से स्टेयर कर दें। अब इसे फिर से ढककर 10 मिनट और पकाएं। फ्लेम को लो पर ही रखें। 3-4 मिनट बाद दूध ऐसा फूल उठेगा, तब चम्मच को एक बार लौकी में चला दें। अब दोबारा ढक दें। आप चाहे तो ढक्कन को थोड़ा सा खोलकर रख सकते हैं ऐसे। जब तक लौकी पक रहा है, तब तक हम खजूर और किशमिश को एक ग्राइंडिंग जार में पीस लेंगे। ये ऐसा पेस्ट बनेगा और इसके साथ 4 छोटी इलायची पीसकर पाउडर बना लेंगे। अब हम लेंगे पाम शुगर। ये काफ़ी हेल्दी होता है और ये कोई भी अच्छा ग्रॉसरी शॉप में मिल जाता है। इसे हम लेंगे करीब 1/4 कप। दस मिनट बाद हम ढक्कन को खोलेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारा लौकी पूरी तरह पक चुका है। अब हम इसमें पाम शुगर ऐड कर देंगे। अब इसके साथ इलायची पाउडर भी ऐड कर देंगे। अब फ्लेम को ऑफ कर दें और पाम शुगर और इलायची पाउडर के साथ लौकी को अच्छी तरह मिक्स कर दें।
खजूर और किशमिश जो हम ग्राइंड करके रखे थे आप उसे ऐड कर दें। दोस्तों गैस बंद करने के बाद ही ये ऐड करें, इसे इसका न्यूट्रिशन वैल्यू इंटैक्ट रहता है। मिला दें अच्छी तरह। अंत में कटी हुई ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दें और हमारा लौकी की हलवा बनकर तैयार हो गया है। हलवा को सर्व करने से पहले 10 मिनट के लिए ढक कर रखें, इससे सारी फ्लेवर्स इसमें इन्फ्यूज़ हो जाएगा। अब इन सात्विक हलवा सर्विंग बोल में सर्व करें और बड़े सुकून से खाएं। तो दोस्तों ये था मेरा आज का रेसिपी, इसे अपना किचन में ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको अच्छे लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर विजिटिंग माय मस्त किचन।